देखें यहाँ पे जो है हमारे पास तकरीबन 2500 लोग है, ठीक है ना, लेकिन इंतजामिया की तरफ से हमारे पास सिर्फ 23 देगे आए हैं। अब 23 देगों में आपको पता है कि एक देग में सिर्फ 50 से 60 बंदे जो है शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसी को हम लोग थोड़े थोड़े से करके जो है हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हर कैंप में तो शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं खाना बदबूदार है, खाना शहरी का नहीं। आप खाना चेक कर सकते हैं, एक मिनट में आपको खाना चेक कराता हूँ। बल्कि एक थाल में खाना जो है आप चेक कर सकते हो। सही कह रहे हैं सर, ये खाना ठीक है, कम मिल रहा है खाना, कम मिल रहा है, कम मिल रहा है जी, खाना कम मिल रहा है। यहाँ पर आके मुख्तलिफ बयान, वहाँ पर मुख्तलिफ चीजें, हमने अभी जिन कैंपों का दौरा किया उन्होंने बोला कि बदबू है, कम मिल रहा है खाना जो है ना, कम मिल रहा है, रात को 3 बजे 12 बजे मिल रहा है रात। अच्छा ये खाना है, आप टेस्ट कर सकते हो। अब ये तो गरम खाना आ गया मेरे सामने बिल्कुल, ये मैंने ये गरम गरम, मेरी बात सुने, ये चने वाला खाना तो मैंने अंदर नहीं देखा अभी, मैंने दीगर खाना देखा, ये खाना तो आपने नहीं दिया अंदर। हमारे इंतजामिया की तरफ से चने वाला आज बटा है और नहीं, चने वाला नहीं था खाना, मैंने आलू का पुलाव देखा था वहाँ पर, आलू मिक्स है, आलू इसके साथ मिक्स है। अच्छा अभी ये कितना खाना आपके पास पड़ा हुआ है? हमारे पास इस वक्त कोई भी नहीं है क्योंकि खत्म हो चुका है। आधी दो देखे सिर्फ अंदर गई है सर, सिर्फ 23 देखे गई है, आप आके देख अंदर, 23 देखे गई है अंदर, एक मिनट ये देखे आपने देखी थे? हमने 23 नहीं देखे, नहीं वो तो दो हैं लेकिन 23 हमने नहीं देखी है, इसलिए कह रहे हैं। 23 देखे किधर हैं? 23 देखे ये आप देखें, जिन जिनको हमने एंट्री किया बकायदा नाम लिखे हैं, आप इसकी वीडियो फोकस ले ले, एक मिनट, आप वीडियो फोकस ले सकते हैं, जिसको जितने देख जिस गली में गए हैं बकायदा उसका हम अंदराज कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त हम कैंप्स के लिए परेशान हैं, कुछ लोग चाह रहे हैं हमें कैंप चाहिए, लेकिन इसके लिए हमने डीडीओ को 350 कैंप जिन लोगों को नहीं, डीडीओ साहब से हम 4 दिन से रबते में हैं, उन्होंने कहा है कि कैंप जो है आज तकरीबन 350 कैंप भेजेंगे, अभी तक हमारे पास नहीं आया। कैंप आएंगे यहाँ पर ना पंखा है ना बिजली है यार यहाँ पर, ये सारा जो यहाँ इंतजाम चल रहा है, एक मिनट बात कर रहा हूँ ना, यहाँ जो सारा इंतजाम चल रहा है वो सिर्फ पब्लिक की ताउन से चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतनी ताउन नहीं है हमारे पास। ये लोग जो बच्चे लेके बैठे हैं, आए नाजरीन वहाँ पर चलते हैं, जाओ जो कैंप देते हैं उनसे बात करते हैं। हटे हटिएगा जरा, हट जाए, हट जाओ हट जाओ। डायरिया के केसेस बहुत हैं और उसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन के भी केसेस यहाँ पर बहुत आ रहे हैं और मोस्टली यही खास करके केसेस हैं। ख्याल है आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, आप इधर बैठे हुए हैं, कम से कम आप अंदर जाएं, जो बच्चे आसमान तले पड़े हुए हैं बीमार हैं, बहुत हालत उनकी खराब हो रही है, एक बच्चा तो हम लेकर भी आए अपने साथ, वो बच्चा किधर है दिखाएं जरा, एक बच्चा हम साथ लेकर आए आपको दिखाने के लिए, इसकी भी हालत खराब है। आप क्या कर रहे हैं, चेक क्यों नहीं कर रहे? मेरे पास अभी तो नहीं आया ना, अभी तक मेरे पास तो अभी नहीं है। ये ना आए लेकिन आप तो इनके पास जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, दौरा तो कर सकते हैं, दौरा ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर मेरे पास होगी तो मुझे बताएं तो मैं इनको याद, आप इस बच्चे को देखें तो कर दें ट्रांसफर, आप क्यों नहीं कर रहे? मुझे पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं सर, नो मौलूद 2 दिन के बच्चे मैंने देखे अंदर पड़े हुए। अच्छा मसला यहाँ पर ये है, आप यहाँ से उठें और चल के देखें जो बच्चे बीमार हैं, कम से कम उनको ट्रांसफर तो करें यहाँ से। ये मसला यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर अगर मैं जाकर देखूंगा, वहाँ पर देखने के बाद यही हो सकता है कि मैं उसको यहाँ से सिविल हॉस्पिटल जो है या JPMC जो भी है, मतलब ये तो नहीं है कि कैंप में हम जा रहे हैं, कैंप में हमें बता रहे हैं कि यार मर रहे हैं यहाँ पर तो लोग। 5 मिनट के लिए वो कोई मसला नहीं है, अगर मुझे कहेंगे कि अगर सीरियस केस है तो मैं वहाँ पर जाऊँ। ये बच्चा है, इस जैसे और भी 4-5 बच्चे मैंने देखे हैं छोटे, कैंप के अंदर बीमार हैं, वो पड़े हुए हैं, मक्खियां बिनबिना रही हैं उनके पास, वो होश में भी नहीं आ रहे हैं। आप उन बच्चों को जाके देखें, बेहतर है कि यहाँ से बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। चले थोड़ी है यहाँ पर जी, आप यहाँ पर कुछ इमदाद तकसीम करने के लिए आए? जी हाँ जी। क्या लेकर आए आप? मैं दूध लेके आया हूँ। दूध लेकर आए, बहुत अच्छी बात है, आपका जज्बा काबिले दीद है, लेकिन यहाँ पर इनके पास पंखे नहीं है, अगर इनको पंखे मिल जाएं, बेशक हाथ जलने वाले पंखे मिल जाएं या छोटे पेडिस्टल पंखे मिल जाएं, और बिजली नहीं है इनके पास, अगर आप कुछ कर सकते हैं, आपके पास गाड़ी है, आप साहिब हैसियत हैं, आप किसी के पास जाएं, इनको बिजली यहाँ पर फराम करवा दें, अतराफ में बिजली है, यहाँ पर बिजली नहीं है, ये ज्यादा सवाब का काम है मैं समझता हूँ। कुछ कर सकते हैं आप इनके लिए? मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अपनी, जो भी हो सके कोशिश करता हूँ मैं इसके लिए। अगर आप कुछ कोशिश कर सकते हैं तो, इनको छोटे नोमोलूद बच्चे हैं 2-2 दिन के, उनके पास पंखा नहीं है, हवा नहीं है, मक्खियां हैं अंदर, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो अंदर पंखे, इनको चंद पंखे दिलवा दें, जहां पर छोटे बच्चे हैं खुसूसन उन कैंप्स में पंखे दिलवा दें, और लाइट का इनका इंतजाम करवा दें, यहां पर लाइट तो है लेकिन बंद है लाइट,
आप ये कर दें, ये ज्यादा नहीं किए मैं समझता हूँ। मैं ज्यादा इंशाल्लाह कोशिश कर पाऊंगा, कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप कोशिश करें, हम आप जो है वो इंतजार करते हैं कि आप यहाँ पर कुछ कर सकें। ठीक है सर, केस नहीं होता है छोटा जी, वो अब अच्छा चाहिए, क्यों जो हर घर में लकड़ी नहीं है, इधर बहुत परेशान होते हैं। वो जो है ना गैस, गैस मिले तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। जो भी जीत देना किसी को होते, वो गैस का छोटा डब्बा होता है ना, वो गैस चाहिए, क्यूँ जो रोटी पकाने लिए बहुत परेशानी है। लकड़ी, हवा जो चल रही है लकड़ी नहीं है, जो भी लकड़ी है वो गिली है, गिली तो नहीं। असल में आप यहाँ पर आए हैं, इनकी परेशानी सुने पहले कि चाहिए क्या, इनको परेशानी है क्या। मैं ओके गया हूँ, इधर कूलर दे के गया हूँ मैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। उस पर मुझे बोला गया कि इनको दूध और बिस्किट चाहिए, तो मैं दूध तो अभी ले आया हूँ। आप देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से तो तवज्जा नहीं है इतनी ज्यादा सर। प्राइवेट अगर कोई कर दे, कोई मुखैर कोई दुआ लेने के लिए कर दे, तो वो बड़ा सवाब मिलेगा। मैंने देखा है कि इधर रोटी आती है इनके लिए, खाना भी सेटिस्फेक्शन नहीं है खाने का। चले जो भी होगा इंशाल्लाह मैं आपको, आप अगर कैंप का दौरा करें, छोटे बच्चे हैं दो दो दिन के, वो जिस कंडीशन में पड़े हुए ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे बहुत मुश्किल से बचेंगे, क्योंकि मक्खियां बहुत सारी हैं, बीमारियां हैं बहुत सारी, पंखा नहीं है उनके पास, हवा 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 के लिए पंखा नहीं है। जलने वाले पंखे की इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मैं, हाथ जलने वाले पंखे आप इनको करवा दें तो कुछ, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। इनको निमकोल या कोई साफ पानी अगर प्रोवाइड कर सके, ये दूध से बेहतर है कि आप इनको साफ पानी की बोतलें दे दें, ताकि वो उन बच्चों के लिए वो इस्तेमाल करें। मैं इंशाल्लाह पानी आज शाम में भिजवा। थैंक यू सर, गैस मिले, गैस ओके। दिन को और अंदर पंखे नहीं है। हाँ मुतासरीन, सूबे सिंध के सैलाब जदगान ये मुतासरीन को कराची में लाकर ठहरा तो दिया गया, लेकिन इनको सहूलियात मुहैया नहीं की गई। यहाँ पर मुतासरीन का यही कहना है कि इनको बेहतर सहूलियात मुहैया किया जाए, साफ सुथरा खाना और दीगर सहूलियात इनकी अहम जरूरत है। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ फैसल राजपूत, दिन न्यूज, हॉक्सबे रोड, कराची।